नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी स्पोर्ट्स और मैं हूं राहिल सैयद आपके साथ। आईपीएल की तरह अब पूरे भारत में अलग अलग स्टेट्स में टी20 लीग्स खेली जाने लगी हैं। हाल ही में दिल्ली प्रीमियर लीग का पहला सीजन लॉन्च हुआ था, जिसमें दिल्ली की अलग अलग एरिया की टीम्स भाग ले रही थी। ठीक इसी तरह एक यूपी टी20 लीग भी होती है और ठीक उसी की तरह अब एक केरल क्रिकेट लीग टी20 होती है। जी हाँ, केरला टी20 लीग में केरला टी20 लीग में एक मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज ने कमाल कर दिया है। वो बल्लेबाज अब बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। हम बात कर रहे हैं केरला के विष्णु विनोद की, जो इस वक्त केरला क्रिकेट टी20 लीग में खेल रहे हैं। हालांकि वह आईपीएल में मुंबई इंडियंस का हिस्सा है। विष्णु विनोद ने इस लीग के अंदर सिर्फ 32 गेंद में शतक ठोक डाला। उन्होंने 45 गेंद का सामना कर 139 रन मारे, जिसमें उनके बल्ले से 17 छक्के और 5 चौके देखने को मिले। उनका स्ट्राइक रेट इस पारी के दौरान 300 से ऊपर का था। विष्णु विनोद को आईपीएल में भी खेलने के मौके मिले हैं, हालांकि आईपीएल में वह उन मौकों को भुना नहीं पाए हैं। विष्णु विनोद का आईपीएल करियर अभी तक बहुत छोटा रहा है, लेकिन उसमें भी वह खुद को साबित नहीं कर पाए। विष्णु ने आईपीएल में 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उनके नाम 50 से भी कम रन हैं। हालांकि उनको डोमेस्टिक क्रिकेट का काफ़ी अच्छा अनुभव है। विष्णु विनोद 30 साल के क्रिकेटर हैं, जो अब अपनी इस पारी के चलते चर्चा में आए हैं। 39 गेंद में 145 रन मारना अपने आप में एक बड़ी बात है। और आपको बता दें कि आईपीएल 2025 से पहले मेगा ऑक्शन होना है और उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं अभी चल रही हैं। तो इस बात की पूरी संभावना है कि आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस विष्णु विनोद को रिलीज कर दे। और अगर ऐसा होता है तो फिर विष्णु विनोद हमें आगामी आईपीएल ऑक्शन में नजर आएंगे। और जाहिर सी बात है, आईपीएल ओनर्स ने उनकी ये पारी तो जरूर देखी होगी। इस पारी के बाद आईपीएल ओनर्स की नज़र विष्णु विनोद पे जरूर बन सकती है। इसके बाद वो इनको फॉलो करके देखना चाहेंगे कि वो क्या कर सकते हैं। अगर विष्णु विनोद ने आगे भी कुछ 2-3 पारियां ऐसी खेल दी तो इस बात की उम्मीद है कि वो आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में काफ़ी महंगे बिक सकते हैं। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस से पहले विष्णु विनोद दिल्ली कैपिटल्स का भी हिस्सा रह चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खेल और क्रिकेट की तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहिए एनबीटी स्पोर्ट्स के साथ।